स्वागत है आपका उत्तराखंड दिन भर में। आइए डालते हैं राज्य की प्रमुख खबरों पर एक नजर। सिडको स्थित वीनस साबुन बनाने वाली RSPL कंपनी में अचानक आज सुबह भीषण आग लग गई। देखते ही देखते फैक्ट्री में रखे केमिकल ने आग पकड़ ली और पूरी फैक्ट्री धू धू कर जलने लगी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुटी। रुड़की विधायक सुरेश चंद जैन को कांग्रेस प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। दिल्ली से वापस लौटे पूर्व विधायक सुरेश चंद जैन का बिझोली के पास जोरदार स्वागत किया गया। धनौल्टी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह राणा ने मसूरी में पत्रकार वार्ता में कहा कि पार्टी ने इस बार उन पर भरोसा जताया है तो पार्टी की उम्मीदों पर वे खरे उतरेंगे। मसूरी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी गोदावरी थापली ने कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव के लिए मिलकर काम करने की अपील की। इस मौके पर टिकट के प्रबल दावेदार ज्योत सिंह गुनसोला भी मौजूद रहे। लोहाघाट भाजपा उम्मीदवार पूरन फर्तियाल के नामांकन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट, नैनीताल सांसद भगत सिंह कोश्यारी और केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टमटा ने शिरकत की। इस दौरान इन नेताओं ने सीएम हरीश रावत पर जमकर हमला बोला। लालकुआ से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में PDF के मंत्री हरीश चंद्र गोपाल ने मंगलवार को हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के जुलूस के साथ लालकुआ तहसील पहुंचकर रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपना नामांकन करवाया। आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए पुलिस प्रशासन और भी सख्त हो गया है। मसूरी शहर में अभी तक 120 लोगों ने अपने लाइसेंसी शस्त्र कोतवाली में जमा करा दिए हैं, जबकि 48 लोगों ने अपने शस्त्र जमा नहीं किए हैं, उनके खिलाफ नोटिस भेज दिए गए हैं। पिथौरागढ़ सरस्वती विहार कॉलोनी में मूलभूत समस्याओं को लेकर कॉलोनी के लोगों ने पानी पंचायत का आयोजन किया, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जन प्रतिनिधियों पर बहलाने फुसलाने और कॉलोनी के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करने के आरोप लगाए। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। राज्य की तमाम खबरों को आप विस्तार से देख सकते हैं devbhoominews.com पर।